सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, लेसन नंबर 2.9 तक आपने काफ़ी कुछ बेसिक से बेसिक चीज़ें जो हैं आपने देखी होंगी, आपने सीखी होंगी, आई होप करके भी देखी होंगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। दोस्तों और भी आगे बहुत सी लेवल बढ़ता जा रहा है हमारे क्लासेस का, ऊपर तक हम जाते जा रहे हैं, कैसे अच्छे लेवल तक जाते जा रहे हैं जहाँ पे हमें चीज़ें और थोड़ी टफ भी होती रह जाएंगी और समझने में करने में मज़ा भी आता जाएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब दोस्तों आप उसको प्रैक्टिकली अपने हाथ से करके देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ उसे आप करके देखेंगे तभी आप उसके बारे में समझ रहे हैं, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी दोस्तों, उसको करके भी देखिए। तो दोस्तों अब तक हम काफ़ी बेसिक चीज़ें कर चुके हैं, अब तक हम माउस का यूज़ कर रहे थे बीच में, माउस पैड का यूज़, या अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आप माउस का यूज़ करते हैं। मैंने माउस का यूज़ करना भी बताया था आपको, किस प्रकार से कितने बटन होते हैं उसमें और वो कैसे काम करते हैं। मैंने कीबोर्ड के बारे में भी आपको बताया कि कीबोर्ड किस प्रकार से वर्क करता है, कौन कौन से बटन्स होते हैं और वो कैसे काम। तो दोस्तों इन सब के बीच में कीबोर्ड के बारे में बात करते समय हमने कुछ होट कीज़ और स्पेशल कीज़ के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि ऐसी कीज़ होती हैं जो कम्बिनेशन के साथ काम करती है, कम्बिनेशन के साथ के लिए काम करती हैं। ओके, तो दोस्तों आज के इस लेसन में हम वही चीज़ें करने जा रहे हैं, आई मीन टू से कि हम जो हैं शॉर्टकट कीज़ पे काम करेंगे, शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के नए लेसन, नए टॉपिक की, शॉर्टकट कीज़, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आप ये लोग ये क्लास अगर आप देखते हैं तो आप इसके बाद से माउस को यूज़ करना छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि माउस आपका ख़राब हो गया है, गुम हो गया है, अब आप नहीं ला सकते माउस को, तो आप किस प्रकार से कीबोर्ड के ज़रिए जो है अपना कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे और चलाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर स्क्रीन पे कीबोर्ड निकाल लेता हूँ। तो कीबोर्ड के लिए दोस्तों मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पहले भी बताया था, या तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टाइप करने के बाद एक स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक कीबोर्ड आ जाता है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरुआत कर रहे हैं शॉर्टकट कीज़। तो शॉर्टकट की दोस्तों मैं आपको डेस्कटॉप से ही शॉर्टकट कीज़ बताना शुरू कर दूँगा, ताकि आपको एप्लीकेशन अगर ओपन करनी है तो भी आप उसके लिए भी आप सिर्फ कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करें, ना कि माउस का। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास, देखिए अब जो फ़िलहाल मैं आज के इस लेसन में जो कीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, मैं कीबोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ। एक मैं इसका यूज़ करूँगा दोस्तों, जो विंडो का सिंबल आपके कीबोर्ड के अंदर होता है, चाहे लैपटॉप का कीबोर्ड हो या डेस्कटॉप का कीबोर्ड हो, ओके विंडो का बटन होता है इसका यूज़ करूँगा मैं, और एक यूज़ करूँगा दोस्तों मैं इस अल्ट के बटन का यूज़ करूँगा, स्पेस भी यूज़ होगा। देखते रहिए दोस्तों जो बटन मैं यूज़ करने वाला हूँ और उनका नेम लेने वाला हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको पहले से क्लियर कर रहा हूँ। ओके सो यही अल्ट यहाँ पर भी है, और एक ये दोस्तों आपके कीबोर्ड में एक इस टाइप का एक बटन होता है, लिस्ट बटन होता है, ये आपके हमेशा राइट साइड में ही रहता है, एरो के आसपास रहता है ये। तो एक इसका भी यूज़ करने वाला हूँ बीच में, जब भी मैं बोलूँ आप समझ जाइएगा किस बटन का यूज़ करने वाला हूँ। टैब का यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों मैं, ओके एंड तो ये कुछ एक बटन है जो आज की इस वीडियो में यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम माउस बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। आप भी देखिएगा ये जो कर्सर अभी मैं फ़िलहाल मूव कर रहा हूँ ये आपको नहीं हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा, ओके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार से कीबोर्ड के ज़रिए हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर के अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्क्रीन जो होती है आपके पास ये डेस्कटॉप होती है, जो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये वॉलपेपर देख रहे हैं आप, ये होता है डेस्कटॉप। तो अभी अगर हमें डेस्कटॉप से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो कीबोर्ड के ज़रिए कैसे करेंगे, तो दोस्तों एक विंडो का बटन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो बटन आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो ये इस प्रकार से ये स्टार्ट का बटन खुल जाएगा। और एक दोस्तों एस्केप का बटन होता है, अगर आप ध्यान दें अपने कीबोर्ड के अंदर सबसे पहला बटन जो कॉर्नर में होता है लेफ्ट
राइट सॉरी अपर लेफ्ट के अंदर जब से पहले बटन ESC लिखा होता है उसको प्रेस करने पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों यही करना है, अगर आपको डेस्कटॉप से किसी भी चीज़ को ओपन करना है तो एक और इनविजिबल टाइप का कर्सर होता है जो बिल्कुल डॉटेड डॉटेड कर्सर होता है जो ध्यान से देखने पर दिखता है, उस कर्सर को एक्टिवेट करने के लिए, ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं इस प्रकार से अगर मुझे चेक करना हो मैं बिल्कुल आपको उसी प्रकार से बताऊंगा जिस प्रकार से मुझे समझ में आया था। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उस कर्सर को फॉलो करना है जो बिल्कुल ध्यान से देखने पर दिखता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट दबा के एक बार स्केप दबा दीजिए, आपका कर्सर वहीं होगा। अब आपको मैंने एक टैब का बटन दिखाया था, तो टैब दबाइए, और अगर ये आपका देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे आपको वाइट कलर की एक बाउंड्री मूव करती हुई दिखाई दे रही होगी। अब ये यहाँ आ चुकी है, आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उसके ऊपर है, अभी ये स्टार्ट के बटन पे है और अभी ये सर्च के बटन पे है, अभी सर्च के साथ वाला टास्क भी दिख रही है। देखिए जब जब जैसे जैसे ये किसी भी पॉइंट पे मूव करता है उसका जो नेम है वो उभर के सामने आता है, तो इसी प्रकार से ये टैब बटन प्रेस करने पर ये वाला जो कर्सर होता है ये मूव करता है, जिसको हमें फॉलो करना है और फॉलो करके उस लोकेशन पे जाना है जहाँ से हमें काम करना शुरू करना है। सो एक बार देखिए हम यहाँ पर डेस्कटॉप के किसी एक आइकन पर आ चुके हैं, और अब हम अपने एरोज का यूज़ करेंगे एंड जिस भी एप्लीकेशन को डेस्कटॉप से ओपन करना है उसको हम एंटर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये ऐसे ही काम करता है। तो देखिए टैब दबाएंगे आप, मूव कर रहा है, एक बार और दबाएंगे, देखिए अब कहाँ पे आया, ध्यान से देखिएगा आप, फॉलो कीजिए फिर मैं आपको करवाता हूँ फॉलो। देखिए अभी ये आपके राइट साइड में जो है टास्क पेन वहाँ है फिलहाल, अब ये ऊपर की तरफ है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ ये दोस्तों मैं जो कर्सर मूव कर रहा हूँ आपको जस्ट गाइड करने के लिए कर रहा हूँ, अब ये यहाँ पर आ चुका है, अब ये यहाँ आ गया है दोस्तों, इसी प्रकार से ये अब दिस पीसी इस पॉइंट पर आ गया है, अभी ये इस पॉइंट पर आ गया है। इसी प्रकार से ये टैब के ज़रिए भी एक कर्सर मूव होता है जिसे हम जिसका यूज़ करके हम किसी भी लोकेशन पे विदाउट एनी माउस हम जा सकते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हो गया डेस्कटॉप से किसी एप्लीकेशन को ओपन करना, अब बात करते हैं स्टार्ट के बटन से किसी एप्लीकेशन को ओपन, स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, दैट इज़ ईजी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से हम एरो का यूज़ कर सकते हैं, अगर सपोज़ कीजिए इस लोकेशन पे आपको नहीं आना है यहाँ आना है तो टैब दबाइएगा, देखिए अभी ये यहाँ आ गया, अभी यहाँ से नहीं यहाँ से बाहर जाना है तो फिर से टैब दबाइएगा, देखिए अभी ये यहाँ आ चुका है, अभी फिर से एक बार टैब दबाइएगा, अभी मोस्ट यूज पे आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट के बटन पे जाकर हम किस प्रकार से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, कैंसिल करना हो स्टार्ट का मतलब किसी भी लिस्ट को, ये इस टाइप की जो आप अभी ये ओपन हुआ देख रहे हैं इसे हम लिस्ट कहते हैं, तो कैंसिल करना हो स्केप का बटन दबाएंगे। क्लियर दोस्तों? इसी तरह से अगर आपको मान लो रन ओपन करना है तो ये इसी विंडो का बटन के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो ये रन का बटन रन का ऑप्शन कमांड जो है ओपन हो जाता है, जिसमें हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वर्ल्ड पैड ओपन करता हूँ, ये वर्ल्ड पैड ओपन हो जाएगा, तो ये वर्ल्ड पैड ओपन हो चुका है। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आज के लिए, आज के लेसन में ज़्यादा ना करते हुए शॉर्टकट कीज के बारे में। तो कल मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में, आगे की शॉर्टकट कीज, नई नई शॉर्टकट कीज को लेकर हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।